हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रह व्यवस्था की प्रक्रिया चैप्टर कर रहे थे, जिसका आज लास्ट पार्ट करेंगे हम। इसका आखिरी चरण जो है वो कहेंगे, जैसे हम कहते हैं मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, मैं इसको पहले सामान्य उसमें आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। देखिए, जब आप पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं ना, तो बीच बीच में आप लोगों के टेस्ट होते हैं या आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये मूल्यांकन होता है आपने जो पूरे साल भर पढ़ाई की है, आपने जो पूरे साल भर कार्य किया है उसका। कि किसी प्रकार से जब हम प्रबंधकीय कोई कार्य करते हैं, तो फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जहाँ से हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर हम जो है एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, है ना, हर स्टेप में, मैनेजमेंट के हर स्टेप में या गृह प्रबंध की पूरी प्रक्रिया में, जो हर स्टेप के अंदर जो है हम इवैल्यूएट करते हैं। कैसे इवैल्यूएट करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं, तभी हमें जो है अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन जो है मिल पाएगा। मूल्यांकन हम कैसे करते हैं कि जैसे आपने कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप प्लानिंग करने के अंदर क्या होता है कि आप ये आपने जो अपने एसेट्स हैं आपके पास में, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपने आपकी क्या जो है आपकी क्या कहेंगे कि उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है प्लानिंग करने का, ये सब चीज़ें आप जब असेंबल करते हैं या एक प्रक्रिया करते हैं इनको प्रबंध करने की, तब आप जो है ये मूल्यांकन करते हैं कि आपके पास में रिसोर्सेज कितने हैं, है ना, क्या आप उतना उसमें से कितने रिसोर्सेज आप काम में ले पाएंगे या कहीं रिसोर्सेज कम तो नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का इवैल्यूएशन है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ से हमारी प्लानिंग शुरू होती है, वहीं से हमारी इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि इवैल्यूएशन है, पूरा काम ख़त्म हो गया और हमने लास्ट में जो है उसको इवैल्यूएट किया कि वो काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ या रिज़ल्ट अच्छा हुआ या नहीं। ये एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन प्रबंध प्रक्रिया के अंदर हर चरण के ऊपर जो है हम इवैल्यूएट करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन बेसिकली वो क्रिया है जिसमें आपने जो अपने उद्देश्य सेट किए थे, आपने जो अपना गोल सेट किया था, आप उसी को चेक करते हैं कि क्या आपने वो गोल अचीव किया या नहीं, क्या आपने जो प्रबंध किया था, क्या आपने जो एक प्लानिंग की थी, क्या आप उसके ऊपर पूरे उतरे या नहीं, आपको कितना सेटिस्फेक्शन उससे मिला। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन। ठीक है, तो मैं एक आपके लिए डेफिनेशन, अच्छा, मैनेजमेंट और रिजल्ट दोनों के ऊपर जो है आपका मूल्यांकन जो है वो चलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप उसको मैनेज कर रहे हो, जब आप उसको प्लान कर रहे हो, जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जीक्यूट करते समय भी, एग्जीक्यूट माने उसका जब क्रियान्वयन कर रहे हो, तो आप बीच बीच में ये मूल्यांकन कर रहे करते हैं कि आपने जिसको जो काम दिया है वो सही प्रकार से कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एज वेल एज रिज़ल्ट, जब उसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, जब आप गोल अपना अचीव कर लेते हैं, तब भी हम उसको चेक करते हैं कि क्या हमने जो हमने सेट किया था गोल, हमने वो लेवल तक अपने गोल को अचीव किया या नहीं। तो यही सब क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि हम ये देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक जो है अपने उसमें जो है एक रिज़ल्ट पा लिया या सफलता हमें मिल गई अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। वैसे मैंने काफ़ी आपको डिस्कस कर दिया अभी, लेकिन हम पॉइंट्स में करेंगे कि क्या होते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। सबसे पहला ये है कि यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है, है ना, कि हमने गोल जो सेट किया था, क्या हमने उसके अकॉर्डिंग हमने रिज़ल्ट पा लिया, या अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं तो किस लेवल तक हमने अपने रिज़ल्ट को पाया है। ठीक है, इवैल्यूएशन करना या मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक होता है जिससे कि हमें आगे की प्रक्रिया के लिए, आगे हम कभी भी जब प्लानिंग करते हैं, जब कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमें एक आधार प्राप्त हो सके कि हमारी क्या, जो पिछला हमारा कार्य था उसमें हमें क्या कमियां रह गई थी, क्या त्रुटियां रह गई थी, किस वजह से हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए थे, हमें क्यों नहीं जो है सेटिस्फेक्शन मिल पाया था जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है। सेकंड पॉइंट है अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग लाना।
देखिए हम एवेलुएट करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपने अपने आप को एवेलुएट किया, फाइनल एग्ज़ाम के बाद में जब आपके मार्क्स आए तो आपने देखा कि उतनी परसेंटेज नहीं आ पाई जितना कि आपने प्लान किया था या आपने सोचा था। तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अब ये मूल्यांकन हो गया, ये एक आपका एक तरह से रिजल्ट का मूल्यांकन है, ठीक है। तो अब आपने जो मूल्यांकन किया उससे आपको एक आधार मिल जाता है अगले साल की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करने के लिए, कि पिछली बार जो है मैं 2 घंटे ही पढ़ाई करती थी, या मैंने पिछली बार नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने डायरेक्ट किताब से पढ़ा, या जो भी है मैंने लिख के नहीं पढ़ा, है ना। तो हम नेक्स्ट ईयर जो है उस पिछले बार के जो रिज़ल्ट है, पिछली बार का जो हमारा मूल्यांकन है, वो अगली क्लास के लिए, अगली प्लानिंग के लिए हमें एक आधार दे देता है, जिससे कि हम अपना इस हिसाब से कि पिछली बार मैं सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ी थी तो अभी मैं 4 घंटे अपना जो है रेगुलर स्टडी करूँगी, ठीक है, या मैं इस तरीके से नोट्स बनाकर जो है पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर एग्जाम्पल्स के साथ में नोट्स बनाकर जो है अपनी पढ़ाई को इस साल करूँगी, जिससे कि मेरे जो है जो परसेंटेज मैंने सोची है वो परसेंटेज मेरी आ जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगली योजना के लिए एक आधार प्रदान करता है मूल्यांकन। फिर है संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करता है। देखिए जो भी आपकी नेक्स्ट जो प्लानिंग है या आपने कोई काम चल रहा है उसके बीच में आपने मूल्यांकन किया, है ना, कार्य चल रहा है उसके बीच में भी आप एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे आपके केस में उदाहरण के तौर पर हम आपका बीच में क्लास टेस्ट ले लेते हैं कि आप आज एक सरप्राइज टेस्ट होगा कि अभी तक मैंने जो एक यूनिट आपको पढ़ाया है तो आप देखती हो कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या है, कार्य के बीच में एक मूल्यांकन हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि आप जो है क्लास में बहुत अच्छा समझ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब ये मूल्यांकन होता है और आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है क्लास टेस्ट से कि मैं तो सोच रही थी कि मुझे समझ में आ रहा है या मैं बहुत अच्छा आंसर लिख रही हूँ लेकिन मैं नहीं लिख पाई, ठीक है, उससे हम भी आपको बता पाते हैं कि आपको इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम बीच में जो है किसी भी कार्य का मूल्यांकन करते हैं या बाद में भी करते हैं, तो स्पेशली बीच में जब हम करते हैं तो हम जो हमने प्लान किया है उसके अंदर अगर किसी संशोधन की आवश्यकता है, है ना, किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, किसी चेंज की आवश्यकता है, तो हम उस चेंज को या उस इम्प्रूवमेंट को या उस संशोधन को हम कर सकते हैं। और उसका एक आधार हम जो है हमें जो बीच में हम मूल्यांकन करते हैं या बेंचमार्क मूल्यांकन जो होता है वो हम करते हैं, तो उससे हमें ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से क्या मतलब है कि जब भी हम मूल्यांकन करते हैं और हम ये पाते हैं कि हमारा रिजल्ट 100% नहीं आया, माने जो हमने उद्देश्य सेट किया था उतना हम अचीव नहीं कर पाए, तो हमें कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा कार्य जो है इस वजह से नहीं हो पाया 100%। अगर हम ये कर लेते तो पक्का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमने क्या अपना काम किया और किस स्टेप पर हमसे किसी तरीके की कोई कमी या त्रुटि रह गई है, ठीक है। तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के, कि हमें मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद है मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है। मूल्यांकन बेसिकली 2 प्रकार का होता है, पहला है सापेक्ष या रिलेटिव, ठीक है, और दूसरा है निरपेक्ष या एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको एक एक करके, सापेक्ष मूल्यांकन या रिलेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। सापेक्ष माने कि किसी चीज़ से हम किसी चीज़ को कंपेयर करें, है ना, कई बार हम कंपेयर करते हैं ना, ये इससे अच्छा है, ये इससे बेटर है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सापेक्ष मूल्यांकन के लिए हमें कोई ना कोई आधार चाहिए, पहले जो हमने प्लानिंग की थी उसका क्या रिज़ल्ट आया था, तो इस बार की जो रिज़ल्ट आया है हम उसको पिछले वाले रिज़ल्ट से कंपेयर करते हैं कि पिछली बार मेरे इतने मार्क्स आए थे और इस बार मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो इस बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, या मैंने अपने में ये चेंज किया था तो मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज मिली है, ठीक है। तो सापेक्ष जो है वो किसी से कंपैरिजन होता है बेसिकली, कि पिछले कार्य से या किसी और के द्वारा किए गए कार्य से
हम इस के रिजल्ट से हम इस कार्य के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव इवैल्यूएशन या सापेक्ष मूल्यांकन। ठीक है, अब ये जो है किस आधार पर हम जो है तुलना करते हैं पिछले रिजल्ट से। पहला है पूर्व योजना से प्राप्त लक्ष्य। ठीक है, कि पिछली बार जो प्लानिंग हुई थी उससे कितने लक्ष्य प्राप्त हो गए, हम उससे कंपेयर करते हैं, और इस बार जो है इतना लक्ष्य प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, फिर वर्तमान योजना के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य, कि इस बार जो है कौन कौन से लक्ष्य जो है वो निश्चित किए गए। परिवार द्वारा प्राप्त लक्ष्य, यानी फैमिली ने जो है कितने लक्ष्य जो है अपने रखे थे और उसमें से कितने प्राप्त कर लिए। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इतने लक्ष्य रखे थे या ये लक्ष्य रखे थे और अब हम ये कर रहे हैं। ठीक है, फिर है व्यक्ति की कार्यक्षमता, हम उससे ये भी जान लेते हैं कि किस व्यक्ति को क्या काम असाइन किया गया था, लेकिन ये काम इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो हमने उद्देश्य सेट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि किसी की कार्यक्षमता में कोई कमी आ गई हो या कार्यक्षमता में कमी है जिसकी वजह से वो गोल हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम सापेक्ष मूल्यांकन करते हैं। दूसरा प्रकार होता है निरपेक्ष मूल्यांकन या एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन। एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन या निरपेक्ष माने कि इसमें हम किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर नहीं करते कि उसमें तो ऐसा हुआ था और अभी इसमें ऐसा हुआ है। हम सिर्फ अपने कार्य का मूल्यांकन करते हैं कि हमारा ये गोल था और ये गोल हमने इस लेवल तक अचीव कर लिया, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, या ये बहुत अच्छा हो गया, या ये हमने जो गोल सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, या समय से पहले हमने अचीव कर लिया। तो इस इवैल्यूएशन के लिए, निरपेक्ष इवैल्यूएशन के लिए या एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन के लिए हमें किसी और के रिजल्ट से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए हमें किसी दूसरे रिजल्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने कार्य को अपने आप ही अपने स्तर पर जो है उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं कि ये हमारा गोल था, हमने अचीव कर लिया, माने हमारा काम अच्छा हुआ, और हमने अगर अचीव नहीं किया है उस गोल को तो हमारा काम कहीं ना कहीं उसमें कोई त्रुटि रह गई है। ठीक है, तो ये हमारे, अच्छा अब एक जनरल सी बात हम करेंगे कि जो हमारे जो है गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया है या जो मैनेजमेंट आपका जो प्रोसेस है ना, तो उसके जो स्टेप्स हैं आपके प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर इवैल्यूएशन, है ना, और फिर आपका ये जो रिजल्ट रहता है, तो इनमें जो है आपस के अंदर एक संबंध रहता है। आपस में संबंध होने का मतलब कि जो आपकी प्लानिंग है वो पूरे आपके आगे के मैनेजमेंट प्रोसेस को प्रभावित करेगी। ठीक है, फिर जो आपका ऑर्गेनाइजिंग पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग भी जो है आपका अगर ओके होगा, प्रॉपर होगा, यानी आपने जिस इंसान को जो काम उसकी क्वालिटी के अनुसार दिया है, तो आपका रिजल्ट ऑब्वियसली आपका मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी इंसान को ऐसा काम दे देते हैं जो कि उसको नहीं आता है या उसकी क्वालिटी नहीं है उस काम को करने की, तो हमारा जो काम है उसमें एक मैन पावर भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी और टाइम भी वेस्ट होगा, और उस एक गलत काम की वजह से हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो उससे इफ़ेक्टेड होगा। इसलिए बेसिकली जब हम ऑर्गेनाइजिंग पार्ट पर आते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सब लोगों को जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनकी काबिलियत, उनकी जो कहेंगे क्वालिफिकेशंस, उनकी क्वालिटीज़, उन सब के अनुसार जो है हमें उनको कार्य देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अगर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट अच्छा है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर दिया, सबको सब सेटिस्फाइड है अपने जॉब से, है ना, सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जब एग्जीक्यूशन पार्ट पे आएंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सबके इंटरेस्ट का काम होगा, सब अपना मन लगा के काम करेंगे, तो जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो बहुत अच्छा होगा। फिर रिजल्ट, तो ऑब्वियस है कि जब ये सारे स्टेप्स आपके अच्छे होंगे तो आपका रिजल्ट या आपका जो हम कहेंगे रिजल्ट को जो भी आपका रिजल्ट या लक्ष्य आप जो प्राप्त करेंगे वो आपका ऑब्वियसली आप अच्छे स्तर पर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के विभिन्न चरण, और इसके नोट्स जो है मैं आपसे जो है PDF आपके ग्रुप्स पे, होम साइंस के ग्रुप्स पे, सेकेंड ईयर के, उस पर शेयर करूँगी। तो आप पहले वीडियो देखें और उसके बाद में उस नोट्स को कंसल्ट करें और फिर आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू।